चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। तालिबान ने बेहद अल्प समय में अफगानिस्तान पर कब्जा कर साबित कर दिया है कि अमेरिका द्वारा बीते 20 बरस में अफगानिस्तान में तालिबान को कुचलने के लिए जो प्रयास किए वह बेकार साबित हुए हैं। 15 अगस्त जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान अफगानिस्तान व अमेरिकी सेना के बीच पहले चली जंग और अब के ताज़ा हालात ऐसे हैं कि वहाँ भगदड़ जैसे हालात बन चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहाँ की महिलाओं व युवतियों की है। अफगानिस्तान के नागरिक इस भय से देश छोड़ना चाहते हैं कि तालिबान उस क्रूर शासन को फिर से लागू कर सकता है जिसमें महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की घोषणा राष्ट्रपति भवन से करने और देश को फिर से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का नाम दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर समाचार लिखे जाने तक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। 5 लोगों की मौत का अभी तक दावा किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर खड़े हवाई जहाजों पर नागरिक किसी भी तरह चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही यह अनुमान लगाया गया था कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कम से कम 1 माह लग जाएगा, लेकिन तालिबान ने आश्चर्यजनक रूप से 1 सप्ताह में ही पूरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। काबुल का तालिबान के नियंत्रण में आना अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध के अंतिम अध्याय का प्रतीक है, जो 11 सितंबर 2001 को अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के षड्यंत्र वाले आतंकवादी हमलों के बाद शुरू हुआ था। ओसामा को तब तालिबान सरकार द्वारा आश्रय दिया गया था। एक अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण ने तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका। हालांकि इराक युद्ध के चलते अमेरिका का इस युद्ध से ध्यान भंग हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए काबुल में अमरीकी दूतावास से अमरीकी झंडा उतार लिया गया है। आपको याद दिला दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल तक तालिबान से जंग होती रही। इस पर अरबों डॉलर अमेरिका ने खर्च किए, लेकिन अब अचानक ही अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। मौका पाकर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के इस अप्रत्याशित व्यवहार के कारण ही उस पर दुनिया की उंगली उठ रही है।